वेलकम बैक दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ सबसे सस्ता स्मार्टफोन Redmi A2। और आज मैं आपको इस मोबाइल के मजेदार हिडन फीचर्स बताऊंगा। इस मोबाइल की प्राइस है 6000 रुपए, जिसमें बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, रियर में डुअल कैमरा और एक शानदार लुक मिलता है। लेकिन इतना ही नहीं, आज मैं जो आपको हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ उनको जानने के बाद में आप बोलोगे भाई मजा आ गया इस स्मार्टफोन को यूज करने में। इस मोबाइल में आप डबल बार लॉक वाले बटन को दबाकर कैमरा ओपन कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो फटाफट से कैमरा ओपन हो चुका है। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, फिर यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको गेस्चर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्विकली ओपन कैमरा, इसको जाकर यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में डबल टैप करते ही स्मार्टफोन में फटाफट से कैमरा ओपन हो जाएगा। ये स्मार्टफोन 6000 रुपए का है, लेकिन इसमें एक मजेदार फीचर मिलता है जो आपको महंगे स्मार्टफोन में भी नहीं मिलता, बस करना पड़ता है। तो इस मोबाइल में आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको ऑन करने के लिए डायलर के अंदर आना है, 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पर देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर जाकर इसको यहाँ से ऑन कर देना है, रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली। और एक मजेदार बात बता देता हूँ, जब भी ये कॉल रिकॉर्डिंग होएगी तो अगले सामने वाले बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि अपन कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गाइज, इस स्मार्टफोन में आपको 100 मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। चाहे आप स्मार्टफोन की कोई भी स्क्रीन के ऊपर हो, यहाँ पर आपको एक सेम बॉल मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी और मोबाइल को एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे। अगर ये सेटिंग ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेस्चर के अंदर 100 मोड, जैसे कि गेस्चर के ऊपर क्लिक करना है, फिर देख सकते हो 100 मोड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है डायरेक्टली। ऑन करने के बाद में इसको भी यहाँ से ऑन कर देना है, फिर ये सिंबल आ जाएगा, ये वाला आइकॉन। अब आप चाहे कोई भी स्क्रीन के ऊपर हो, बस इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन साइज छोटी हो जाएगी और आप मोबाइल को एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे। इस मोबाइल में प्राइवेसी के लिए एक चीज बता देता हूँ, जैसे स्मार्टफोन लॉक है और फिर भी यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज आता है, अगर होम स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है तो कोई दूसरा बंदा ना पढ़ ले लॉक स्क्रीन के अंदर, तो इसको ऑफ करने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन कर देना है। अब आपका स्मार्टफोन जब भी लॉक रहेगा तो कोई भी मैसेज वगैरह आएगा होम स्क्रीन पर नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा की सेटिंग बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको वीडियो मोड मिल जाता है, जिसके अंदर वीडियो क्वालिटी हाई रिकॉर्डिंग में करना है तो 1080p 30fps में रिकॉर्ड करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर फोटो और पोर्ट्रेट, एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसमें कोई भी फोटो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो मोबाइल का Redmi A2 और जो आगे आप अपना नाम लिखना चाहते हो वो फोटो में मेंशन होकर आ जाएगा, और जो भी फोटो वगैरह क्लिक करोगे उसकी डेट भी आ जाएगी। अगर ये सेटिंग ऑन करना चाहते हो और भी सेटिंग ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग वाले बटन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर सेटिंग के अंदर जाना होगा और यहाँ पर वाटरमार्क मिलेगा तो इसके अंदर जाकर इसको ऑन कर देना है और कस्टमाइज वाटरमार्क के अंदर अपना नाम लिख देना है। अब आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद में टैप टू टेक ए फोटो का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर आप एक हाथ से फोटो खींच रहे हो, जैसे सेल्फी वगैरह ले रहे हो, तो आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप करोगे तो इस तरीके से तो आपके स्मार्टफोन में फोटो क्लिक हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हो नीचे बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 सेकेंड का आपको वेट करना होता है, फिर इस तरीके से आप इसमें फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो क्लिक हो चुकी है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक बार आपको फिर से मोबाइल इसकी सेटिंग में जाना है, कैमरा की सेटिंग में, और यहाँ पर सेव लोकेशन ये भी ऑन कर सकते हो, और जब भी फोटो क्लिक करते हो तो साउंड की आवाज आनी चाहिए, शटर साउंड, तो इसको भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस मोबाइल में आपको 2GB रैम मिलती है। अगर आप इसमें रैम को एक्सटेंड करना चाहते हो, आपको लगता है कि मोबाइल हैंग ना हो तो इसके लिए रैम को बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, फिर अबाउट के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर आपको सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर जाकर आपको 2GB के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर रिबूट करना होगा, मोबाइल रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 2GB मिलती है और 2GB रैम एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आप इस स्मार्टफोन में जैसे यूट्यूब यूज कर रहे हो और आप बैक आ जाते हो और यहाँ पर कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर ली, जैसे प्ले स्टोर, अब आपको यूट्यूब के अंदर जाना है तो ये जो बैक बटन, ये वाला बटन है, 3 वाला बटन, इसको डबल टैप करते ही आप यूट्यूब में चले जाओगे, और यूट्यूब से पहले वाली एप्लीकेशन में जाना है जो आप यूज कर रहे थे, उसको इसको डबल टैप करने पर उस एप्लीकेशन में चले जाओगे। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है और आप पता लगाना चाहते हो कि अपन ने पूरा दिन आज इस मोबाइल में क्या क्या यूज किया है,
तो बिल्कुल लगा सकते हो। इसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, डिजिटल वेलबींग एंड कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको ये स्मार्टफोन बता देगा आज आपने मोबाइल को 13 मिनट यूज किया है, जिसमें यूट्यूब को इतनी देर, कैमरा को इतनी देर और मोबाइल की सेटिंग को इतनी देर, इतनी बार 11 बार अनलॉक किया है और 2 नोटिफिकेशन आए, तो ये सारी सेटिंग्स आपको बता देगा। इसमें आपको एक एक्सेसिबिलिटी का एक मजेदार फीचर्स मिल जाता है जिसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 बटन मिलेंगे, जिसको ऑन करने के बाद में 3 बटन मिलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन मिलती है। जैसे वॉल्यूम डाउन करनी है तो इसको दबाने पर वॉल्यूम डाउन होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से वॉल्यूम अप कर सकते हो और ब्राइटनेस को डाउन और ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। और स्मार्टफोन को लॉक करना है तो लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करने पर यह लॉक हो जाएगा। तो ये क्या काम आएगा, अगर आपके स्मार्टफोन में ये बटन बंद हो जाए काम करना, तो ये इमरजेंसी में ये वाला फीचर्स आपके काम आ सकता है और बिना कोई बटन दबाए इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा आपको सिंपली, जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर आपको क्लिक करना है एसेसिबिलिटी के ऊपर। तो कहाँ पर गया भाई एसेसिबिलिटी, ये रहा एसेसिबिलिटी, इसके अंदर जाकर इसको यहाँ से ऑन कर देना है। तो ऑन करने के लिए, ऑन करने के बाद में आपके सामने अलाउ करना होगा, फिर ये 3 वाला बटन आ जाएगा जिसके ऊपर टैप करके ये सारी कस्टमाइजेशन मिल जाएगी और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में और भी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते ही स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और डिस्प्ले की एक मजेदार सेटिंग बता देता हूँ, इस मोबाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट साइज वगैरह, तो उसको बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से राइट में स्लाइड करोगे तो टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगी, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर वॉल टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि कोई कुछ भी लिखा हुआ है उसको गहरा देखना चाहते हो, तो इसको ऑन करने के बाद में यहाँ पर बोल्ड की साइज टेक्स्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्रंट साइज को वापस छोटा भी कर सकते हो। तो गाइज अब आपको बैक आना है और एक मजेदार चीज बता देता हूँ, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपने ब्राइटनेस को बिल्कुल फुल कम कर दिया, लो कर दिया और मोबाइल को नाइट में यूज कर रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस तेज है भाई, आंखों पर रोशनी पड़ रही है, तो इसको ऑन करने के बाद में और भी ज्यादा डिम हो जाती है। और इस स्मार्टफोन के साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है मैग्निफिकेशन का। इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें इसको ऑन कर देते हो तो अगर आप स्मार्टफोन में नेट के ऊपर गूगल पर कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में देखना है तो आपको क्लिक करना होगा इस प्लस के आइकॉन पर और जहां पर भी टच करोगे वो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी और आप आसानी से पढ़ या फिर जूम करके इस तरीके से देख सकते हो। इस मोबाइल में आपको ये जो नीचे बटन देखने को मिलते हैं, इन बटन को हटाना चाहते हो या बैक बटन को राइट में करना चाहते हो, तो इसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा गेस्चर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सिस्टम नेविगेशन मिलेगा, इसके ऊपर जाना है, जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ सिस्टम नेविगेशन। फिर अब आप देख सकते हो यहाँ पर बैक बटन को अगर राइट में लेना चाहते हो तो इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हो और गेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो बटन हट चुके हैं, अब आपको बैक आना है तो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो। और सिस्टम के अंदर गेस्चर के अंदर ही एक ऑप्शन और मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप काफी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको ऑन कर देते हो तो ये जो लॉक वाला बटन है इसको दबाकर रखते हो तो आपके स्मार्टफोन में ये वाला, अगर आप इसमें ईमेल आईडी लगा दोगे तो वॉइस असिस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसमें वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करके कुछ भी नेट पर सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों इस मोबाइल की प्राइस है 6000 रुपए, जिसमें 232 स्टोरेज मिलता है और 500 रुपए और देने पर आपको 64 वाला स्टोरेज वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो अगर इस स्मार्टफोन को आप बाय करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको यूज किया, कोई हैंगिंग वाली स्टेटस वगैरह नहीं देखने को मिला है, फोटो वगैरह भी क्लिक करते हो तो काफी फास्ट तरीके से इसमें फोटो वगैरह क्लिक कर देता है क्योंकि इसका प्रोसेसर सही है। तो आपको लो बजट में स्मार्टफोन चाहिए तो इसको खरीद सकते हो और जो इसमें फीचर्स मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और कुछ आपको जानना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।